चैप्टर थ्री में हम मोशन को स्टडी करेंगे जब कोई चीज हरकत में होती है तो उसके मोशन को समझने के लिए तीन अहम पैरामीटर हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और जिनको हम इस लेक्चर में देखेंगे फर्स्ट करें आप एक कंट्रोल टावर में बैठे हुए हैं जहां पर बैठ के आपको समंदर में जाने वाली शिप्स की लोकेशन मिलती हैं आप एक शिप को ऑब्जर्व करते हैं वो पॉइंट ए पे होती है थोड़ी देर के बाद हम इस शिप को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें पॉइंट बी पे नजर आती है अब इसकी पोजीशन में जो चेंज आया उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और उसको हम यू डिफाइन करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इस शिप की डिस्प्लेसमेंट है और चूंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव की तो ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है हम देखते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में वेक्टर्स के हिसाब से कैसे मैनिपुलेट करते हैं तो जो हमारी शिप्स थी उनके हमारे पास पोजिशंस थी हम ओरिजिन से लेके उस पोजिशन तक दो पोजिशन वैक्टर्स बनाते हैं एक इनिशियल पोजिशन उस शिप की और एक उस शिप की फाइनल पोजिशन तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इन दोनों वैक्टर्स का डिफरेंस होगा एक स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम इसको एस से डिनोट करें तो एस हमारे पास बराबर होगा एस टू यानी उसकी फाइनल पोजिशन माइनस एस वन यानी उसकी इनिशियल पोजिशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी बिटवीन टू फिक्सड पॉइंट्स इज नोन एज हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस नहीं होता एम्पलीट्यूड नहीं होता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जिसमें सर्कुलर मोशन होता है हमें बताया गया कि दो फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियान मोशन है इसलिए ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द बॉडी इज वाइब्रेटरी का मतलब होता है वो वाइब्रेट कर रहा है ये नहीं है रोटेटरी का मतलब होता है वो बॉडी घूम रही है ये भी नहीं है रेक्टिलीनियर और ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी का मतलब होता है बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी है और रेक्टिलीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में मगर वन डायमेंशन में इसका मतलब होता है या वो अगर एक्स वाई जेड प्लेन में अगर हम हैं तो या उसका सिर्फ एक्स कॉर्डिनेट्स होंगे या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड होगा बाकी दोनों जीरो होंगे तो चूंकि हमें सिर्फ ये बताया गया कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रेक्टीलिनियर मोशन है तो हम ज्यादा जेनेरिक ऑप्शन चूज करते हैं ट्रांसलेटरी और लीनियर हमारी जो एग्जाम्पल थी जिसमें हम कंट्रोल टावर पर बैठ के शिप्स को ऑब्जर्व करे थे उसमें जब हमने इनिशियल पोजिशन नोट की तो फर्स्ट करें कि हमने साथ उसका टाइम नोट किया कि उस इनिशियल पोजिशन के वक्त क्या टाइम हुआ था इसको हम स्टार्ट टाइम कह देते हैं टी आई से डिनोट करते हैं इसी तरह जब हमने फाइनल पोजिशन नोट की तो उसको हमने स्टॉप टाइम कह दिया टी एफ से यानी फाइनल टाइम से डिनोट करते हैं वेलोसिटी ये होती है कि जब कोई चीज मूव कर रही है डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से तो हम साथ साथ टाइम ऑब्जर्व करें टाइम नोट करें और फिर हम एंड पे देखते हैं कि टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई जो कि हमें पता है एस एफ माइनस एस आई है और हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुई तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आती है इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वही डायरेक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ब्लू से डिनोट किया गया उसकी एक डायरेक्शन है तो वेलोसिटी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा हम अपनी उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जिसमें हम कंट्रोल टावर पर बैठ के शिप की पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे थे शिप अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चली गई उसकी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हमने जब देखी तो हमारे पास टोटल एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया मगर हमें पता है कि शिप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं की वो कोई टेढ़ा मेड़ा पाथ फॉलो करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई अब अगर हम इस पाथ के हर हर पॉइंट पे पता करना चाहते हैं कि उस शिप की विलॉसिटी कितनी थी कब वो जरा तेज गई कब वो आहिस्ता हो गई तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करते हैं जिसमें हम इस पाथ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स के बाद ऑब्जर्व करते हैं और बेसिकली uh, डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी मदद से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी वेलोसिटी जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम है मगर अब हमने टाइम को इतना छोटा कर दिया कि वो तकरीबन जीरो के बराबर है यानी वो एक बहुत छोटा इंस्टेंट है और इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है इस छोटे से जो टाइम इंटरवल है उसमें जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वो होती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी यानी इस पाथ ऑफ मोशन के साथ एक टेंजेंट बना रही होगी यूं हम देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर हर लम्हे पे चेंज होती है और हमेशा पाथ ऑफ मोशन के साथ एक टेंजेंट बनाती है

फर्स करें हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं जिसमें वाई एक्सेस पे हमारी डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सेस पे हमारा टाइम है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा स्लोप क्या होता है चेंज इन वाई एक्सेस ओवर चेंज इन एक्स एक्सेस तो हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम लेते हैं ये हमारे पास इसकी स्लोप है हमें पता है कि ये क्या होता है ये वेलोसिटी के बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी के बराबर तो अगर स्लोप इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा हमारे पास चूंकि हमारे पास टाइम इक्वल इंटरवल्स पे हम इंक्रीज करें तो ये डेल्टा टी तो कॉन्स्टेंट रहेगा डेल्टा एस चेंज हो रहा है हमारी हम जितना फासला तय करें वो ज्यादा हो रहा है तो हमारी एवरेज uh, वेलोसिटी ये पूरी चीज एवरेज वेलोसिटी के बराबर है हमारी एवरेज वेलोसिटी पर ज्यादा होगी ऑब्वियसली ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब हम देखते हैं इन ऑप्शंस में से स्पीड इंक्रीजेस स्पीड हम मेजर ही नहीं करें स्पीड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते हम डिस्टेंस uh, देखते हैं इसलिए स्पीड हम मेजर नहीं करें हम उसको देखते ही नहीं है वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रह सकती है जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर हो रही है एसेलरेशन डिक्रीजेस डिक्रीज नहीं हो रही uh, जब स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकती एवरेज वेलोसिटी बिकम्स ग्रेटर ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक है जो हमारी स्लोप है वो हमें एवरेज वेलोसिटी दे रही है और वो बढ़ रही है मेन टू बॉडीज मूव टू वर्ड ईच अदर विद कॉन्स्टेंट स्पीड द डिस्टेंस बिटवीन दम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ सिक्स मीटर पर सेकेंड इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन दम इनक्रीजेज एट द रेट ऑफ फोर अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मगर असल में ये बहुत सिंपल है हमारे पास दो बॉडीज हैं जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करी हैं तो वो सिक्स मीटर पर सेकंड के हिसाब से उनके बीच में फासला कम हो रहा है और जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करी हैं तो फोर मीटर पर सेकंड के हिसाब से उनके दरमियान फासला बढ़ रहा है इंक्रीजेस तो अब हम डिटेल में जाने के बजाय उसके लिए फॉर्मूले डिराइव करने के बजाय क्योंकि हम एम MC, कर रहे हैं हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हम ये दो फिगर्स लेते हैं हमें पता है सिनेरियोस ऑपोजिट हैं एक में डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है एक में जा रही है तो हम इनको प्लस माइनस करके देखते हैं जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं हम इन सबको आपस में प्लस माइनस करके देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारे पास ये वाले नंबर्स uh, मिलेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में दोनों की वेलोसिटीज दी गई है ना वही हमें कैलकुलेट करनी है हम इन सबको प्लस माइनस करके देखेंगे फाइव प्लस और फाइव माइनस वन फोर बनेगा सिक्स प्लस वन सेवन सिक्स माइनस वन फाइव थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री माइनस थ्री जीरो और फोर प्लस टू सिक्स फोर माइनस टू टू तो उन दोनों की वेलोसिटीज मिलके हमारे पास सिक्स मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए क्योंकि जाहिर है एक गाड़ी थी उसने उसने तय किया आधा तो टोटल बीच में फासला कम हुआ उसमें दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन एड करके हमारे पास मीटर पर सेकेंड आना चाहिए ना तो इसमें से ये ये 6 इस ऑप्शन में ठीक हो सकता है इस ऑप्शन में भी ठीक है इस ऑप्शन में ठीक है ये सेवन है ये तो बिल्कुल गलत है मगर हमारे पास एक और कंडीशन है कि वो जब एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो फोर मीटर पर सेकंड पे ज्यादा होता है यानी एक गाड़ी जब जाती है तो वो एक सर्टन फासला तय करती है और फिर दूसरी भी फासला तय करती है मगर वो उससे थोड़ी कम है यानी उनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है तो वो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस uh, है वो उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास फोर मीटर पर सेकेंड आना चाहिए तो फोर मीटर पर सेकेंड हमारे पास ऑप्शन वन में आ रहा है ऑप्शन टू में नहीं आ रहा ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर में नहीं आ रहा तो हमारा जो करेक्ट जवाब है वो ऑप्शन ए है हमने देखा कि वेलोसिटी मेजर करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ देखते हैं कि कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इसको हम वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है तो इस पूरी चीज को अगर हम एक दफा फिर टाइम के साथ ऑब्जर्व करें कि कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ज्यादा हो रही थी कम हो रही थी यानी चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम के साथ ऑब्जर्व करें तो इस क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं इसको समझने के लिए हम अपनी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कंट्रोल टावर के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे थे एक शिप को अगर हम इनिशियल पोजिशन के साथ हमने इनिशियल टाइम नोट किया और अब हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नोट करेंगे एक पॉइंट पे वेलोसिटी है तो यकीन है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इसी तरह फाइनल फाइनल पोजीशन टाइम के साथ हम वेलोसिटी नोट करते हैं उसको हम वी कह देते हैं और अब जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम चेंज इन वेलोसिटी को हम देखते हैं कि वो कितने टाइम में हुआ कितने टाइम में ये चेंज इन वेलोसिटी आया इस चीज को हम कहते हैं एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन, हमने क्या होगी हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ टेंजेंट बनाता है तो हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सॉरी इस वक्त ये नीचे की तरफ है तो इसके साथ टेंजेंट बनाएगा और फाइनल पोजिशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ टेंजेंट बनाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगी ये वी एफ है ये वी आई की डायरेक्शन है तो जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें वी एफ में से वी आई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर रिटेशन के रूल के मुताबिक हम इनको अगर एंड टू तो एंड रखें ये वी एफ है तो जो हमारी आ, 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 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इनका रिजल्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारी लाइट सपोज इस डायरेक्शन में आती है तो अब हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता ना ही वो टेंजेंट होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है इन दोनों की एक डायरेक्शन होती है मगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रैंडमली कोई भी हो सकती है क्योंकि वो इनके रिजल्टेंट दो वेलोसिटीज़ के रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करी होती है अगर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसके एक्स एक्सेस पे टाइम और वाई एक्सेस पे वेलोसिटी है इस ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगी ये ग्राफ बेसिकली ये लाइन एक्सेलरेशन को शो रहा है इसको हम यूँ समझ सकते हैं अगर हम किसी भी ग्राफ का देखना चाहते हैं कि वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसकी स्लोप देखें कि उसकी स्लोप क्या बन रही है स्लोप बराबर होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के तो वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज़ है वेलोसिटी उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर रही हूं मेरे पास क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी तो बेसिकली स्लोप जो है वो उस लाइन को डिफाइन कर रही होती है बेसिकली लाइन की इक्वेशन अगर हमने निकालनी हो तो वो हम स्लोप की मदद से निकालते हैं तो स्लोप के जो डायमेंशन होते हैं स्लोप जो चीज़ रिप्रेजेंट करी होती है वही चीज़ वो लाइन रिप्रेजेंट करी होती है इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमारे पास वाई ओवर एक्स करें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास वेलोसिटी आती है तो ये जो लाइन होगी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करी होगी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो हमारी लाइन प्लॉट होगी वो हमें एक्सेलरेशन देती है और एक एक्सेलरेशन को फिर हम स्टडी करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा था शुरू में हम देखते देते हैं शुरू के इंटरवल में इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ी है तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी फिर एक्सेलरेशन थोड़ी सी कम हुई यानी टाइम बढ़ा लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी फिर Uh, यू हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन uh, कैसे बिहेव कर रही थी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम होता है और चेंज इन वेलोसिटी जीरो था इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो होगी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ऐसा यूनिट यूनिट निकालने के लिए हम देखते हैं एक्सेलेशन होती है जी वेलोसिटी ओवर टाइम वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ओवर टाइम तो हमारे पास जो यूनिट आ गए डिस्प्लेसमेंट के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गए डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन डायमेंशन हम यूनिट से निकाल सकते हैं जो लेंथ होती है मीटर के डायमेंशन हैं लेंथ के और सेकेंड के डायमेंशन हैं टाइम के सेकेंड स्क्वायर है एल ओवर टी स्क्वायर इफ द विलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट इंक्रीज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेट टू हैव अब वो हमें यह बता रहा है अगर हम विलॉसिटी टाइम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा वेलॉसिटी टाइम ग्राफ पे देखें कि वो कैसी एक्सेलरेशन होगी अब वो विलॉसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट इंक्रीज यानी टाइम ज्यादा हो रहा है लेकिन विलॉसिटी इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रही इसका मतलब है कि उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है वेरिएबल एक्सेलरेशन है बिल्कुल एवरेज एक्सेलेशन का कोई सेंस नहीं बनती और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन की कोई सेंस नहीं बनती तो बेसिकली हम अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेशन होती तो कैसा ग्राफ होता स्ट्रेट लाइन होती वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ी है और अब चूंकि वो इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ी इसलिए वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है में, स्लोप हम, हमें वो बता रहे है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस की स्लोप एक जैसी है ये इसी केस में हो सकता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो उसकी अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखें जो कि हम टाइम को छोटा करके एक्सेलेशन देखेंगे उसकी भी वही स्लोप होगी जो इस, इस लाइन की स्लोप है तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एवरेज एक्सेलरेशन की कोई सेंस नहीं बन रही पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है नन ऑफ भी गलत है एक दफा फिर से हम ग्राफ बना के देखते हैं क्योंकि ग्राफ बना के हमें एग्जैक्टली समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है स्लोप जो है वो same है, all points on the curve. है. सेम है ऑल पॉइंट ऑन द कर्व फिर यूनिफॉर्म वेलॉसिटी वाला पॉइंट है स्लोप सिर्फ उस वक्त सेम होगी जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमारी यूनिफॉर्म है वेरिएबल नहीं है एवरेज नहीं है इंक्रीजिंग के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते वंस अगेन वो नेगेटिव भी हो सकती है